सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठा दी है। उद्धव ठाकरे के इस कदम पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की धमकी पर खुले तौर से कह दिया है, उद्धव उनको अयोग्य नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो खुद अल्पमत में हैं। एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा, शिवसेना के नोटिसों से वो डरते नहीं हैं, चाहे तो ऐसे 10 नोटिस और भेज दें। शिंदे ने कहा, उद्धव बस उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायकों का सपोर्ट है, कुल मिलाकर मेरे पास 50 से ज्यादा विधायक हैं और लोकतंत्र में संख्या बल ही जरूरी है। मेरे साथ शिवसेना के 37 विधायक हैं, मतलब मैं विधायक दल का नेता हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता, वक्त आने पर कानून हमारा साथ देगा। मैं जल्द ही महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलूंगा, लेकिन अभी इसका वक्त तय नहीं किया है। शिंदे से ये सवाल किया गया कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी शिंदे गुट दावा ठोकेगा। इस पर शिंदे ने बोला, ये तमाम फैसले हम बाद में लेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागी विधायकों का गुट लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। 37 विधायकों को मिलाकर कुल 46 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। 3 से 4 और विधायकों के जुड़ने की खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि अब उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।